कोरोना के कारण कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों में फिर से बंद होने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन को लेकर मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके लिए सभी स्कूलों को रूटीन तैयार करने को कहा गया है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। गाइडलाइन में क्या क्या कहा है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आगामी माह में विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा है, जिसमें मुख्य रूप से जैक द्वारा ली जाने वाली कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा संभावित है। इसके अलावा कक्षा 7वीं तथा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा भी ली जानी है। इसको लेकर क्या है अपडेट, चलिए पूरी डिटेल से देखते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए पूरी डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए आज के डेट में जो अपडेट आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूलों से ही ऑनलाइन कक्षाएं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राज्य के हाई और प्लस टू स्कूलों से ऑफलाइन की तर्ज पर ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। ऑफलाइन क्लास के दौरान शिक्षक जिस प्रकार स्कूलों में बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे थे, ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन में शिक्षक स्कूल से ही पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को जो है घर पर रहकर पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है कि ऑफलाइन क्लास के दौरान शिक्षक जिस प्रकार स्कूलों में बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे थे, ठीक उसी प्रकार जो है शिक्षक जो है ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में शिक्षक स्कूल से ही पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे जो है घर पर रहकर पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स को मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जो है स्कूल जाने का अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो है स्कूल से पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग जो है घर पर रहकर पढ़ोगे, क्योंकि इस बार जो है सभी स्कूलों से ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो रही है। ठीक है, देखिये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक क्लास वार व विषय वार रूटीन तैयार करेंगे, रूटीन और उसी अनुसार जो है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, इस बार रूटीन के आधार पर जो है आप लोगों का क्लासेस चलेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। गाइडलाइन में क्या क्या कहा गया है चलिए हम लोग देखते हैं। देखिये ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, इसका जो पहला पॉइंट है यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो पहला पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य स्तर से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार डीजी 7 तथा व्हाट्सएप समूह के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठन सामग्री उपलब्ध कराने को कहा गया है। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई स्कूल अभी तक बच्चों का ग्रुप नहीं बनाया गया है तो अविलंब बनाकर शैक्षणिक सामग्री भेजे, यानी कि सभी बच्चों का ग्रुप बनाए जाने को लेकर जो है यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी स्कूलों के बच्चों को ग्रुप बनाया जाए और ग्रुप बनाकर जो है वहां पर शैक्षणिक सामग्री भेजा जाए। यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोई शिक्षक डिजिटल सामग्री नहीं भेज रहे हैं तो उनकी पहचान कर इसे सुनिश्चित कराएं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि बीआरपी सीआरपी प्रत्येक दिन 10 से 15 शिक्षकों से संवाद करेंगे तथा शिक्षकों को कम से कम 10 विद्यार्थियों तथा अभिभावकों से संवाद करने हेतु प्रेरित करेंगे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में बेहतर या नया कुछ कर रहे शिक्षकों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करें और प्रमाण पत्र प्रदान करें। ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में बेहतर या नया कुछ कर रहे शिक्षकों की पहचान कर, यानी कि शिक्षकों को जो है यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जाएगा और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि परीक्षा पे चर्चा हेतु 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों शिक्षकों एवं अभिभावकों को जो है ऑनलाइन प्रतियोगिता हेतु प्रेरित करने के लिए बोला गया है। देखिए परीक्षा को लेकर क्या है अपडेट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगामी माह में विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा है, जिसमें मुख्य रूप से जैक द्वारा ली जाने वाली कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षा संभावित है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसमें मुख्य रूप से जैक द्वारा ली जाने वाली 8वीं 10वीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षा संभावित है। इसके अलावा पहली से 7वीं तथा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा भी ली जानी है, ताकि विद्यार्थियों का नामांकन अगली कक्षाओं में हो सके। इस परिस्थिति में वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है, इसीलिए जो है ऑनलाइन कक्षाएं स्कूल से ही जो है चलाई जा रही हैं, ताकि एग्जाम के लिए तैयारी सभी स्टूडेंट्स जो है एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चों की परीक्षा की तैयारी कराई जा सकती है। निदेशक ने कहा है कि पूर्व के वर्षों में माध्यमिक एवं प्लस टू स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शिक्षकों के सहयोग से स्कूल स्तर पर किया गया है, जिसके बेहतर परिणाम हुए थे। इस बार भी स्कूल स्तर पर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाए, ताकि विद्यार्थियों के पठन पाठन की निरंतरता बनाई जा सके। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अभी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं जो है
अटेंड करें। और इस चैनल में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल में अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल में पहले से बहुत सारे वीडियोस अपलोड है और आगे भी एग्जाम तक जो है अपलोड किए जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इस चैनल में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है, इसलिए आप लोग इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।